आरिफ इराकी साहब और हमारे स्पॉन्सर्स के रूप में बिगेस्ट स्पॉन्सर्स, जी हाँ, साजिद भाई इशू भाई, उसे टॉस है, कौन सी खिलाड़ी मिली? शहजाद ने कहा जाता है, पहले क्या करना पसंद करेंगे? फील्डिंग, यस सर, फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है। रूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हम जरूर देंगे। रूल्स इस टूर्नामेंट में किस प्रकार से रखे जाने का इशारा है, डेड बॉल, बैट्समैन रेडी नहीं थे, तैयार नए गेंदबाज आए हैं, पासिंग, पासिंग की वेरी फर्स्ट क्वालिटी है, साजिद भाई क्या कहेंगे यहाँ पे जो अंसारी प्रीमियर लीग रखा है, इसको लेकर क्या कहो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अंसारी प्रीमियर लीग सीज़न 2 है, ये जो है नाइट मैच है, 10 टीम की मैच है, और फर्स्ट प्राइस जो है इसमें 55,000 है, सेकंड प्राइस 33,000 है, और मैन ऑफ द सीरीज कप और एलईडी टीवी है। इस तरह क्रिकेट टूर्नामेंट रखने का क्या मकसद है, क्या उसका कारण है? कैसा है ना, बच्चे लोग को पढ़ाई कर करके भी थक जाते हैं, तो थोड़ा स्पोर्ट्स के अंदर ध्यान देंगे और थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे तो उनका माइंड थोड़ा फ्रेश होएगा। और आज तो आप देख रहे मुमरा की हालत कैसे, कि नौजवान जो है बिगड़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर उनका ध्यान रहेगा, थोड़ा यहाँ पर लोग खेलेंगे तो उनका माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा इंशाल्लाह। देखा जाता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट का ही ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, फुटबॉल या बिगैर दूसरे जो स्पोर्ट्स है उसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो मसला कैसा है, मैं बोलूँगा तो बुरा लगेगा कि यहाँ के लोगों को, मगर बोलना नहीं चाहिए कि यहाँ मुमरा में देखा जाए प्लेग्राउंड की कमी है, दूसरे कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जगहों की कमी है। एक स्टेडियम बनाया गया है मगर स्टेडियम के चार्जेस इतने हैं कि वहाँ अगर कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो महानगर पालिका को इतना पैसा भरना पड़ता है कि एक कॉमन, मतलब एक आम आदमी चाहे कि मैं कुछ ऑर्गेनाइज करूं तो कर नहीं पाता है। और बड़े बड़े लोग जो है उनके पास फाइनेंस है, पैसा है, सब है, तो वो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, उनका पर्सनल उनका कुछ है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, मगर एक आम आदमी या एक छोटी पार्टी मुमरा की या कोई एनजीओ, ये अगर कुछ ऑर्गेनाइज करने का सोचे तो स्टेडियम के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है। रीज़न ये है कि उसके चार्जेस ज़्यादा है। अब बाकी जो बचे हैं क्रिकेट एक ऐसी है कि कोई भी छोटी जगह पर हो जाता है। आप फुटबॉल बोल दोगे छोटी जगह पर होएगा नहीं, हॉकी बोल दोगे छोटी जगह पर होएगा नहीं, लेकिन टर्फ के लिए भी तो ज़्यादा पे करना पड़ता है। नहीं देखा जाए तो स्टेडियम के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉर्मिनल है, अगर देखिए ये 300-400 रुपया घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो दिन के टूर्नामेंट में क्या आ जाएगा, 5-6 हज़ार रुपया। मगर अगर दो दिन का वही अगर प्रोग्राम तुम स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करने जाओगे तो 1-1.5 लाख रुपया जाता है, तो दिस इज द डिफरेंस। इतनी बड़ी आबादी में प्ले ग्राउंड ना होने की वजह से लोग टर्फ पर जाने मजबूर है। देखो हमारा यंग जनरेशन जो है, आप मुमरा के हालात से तो आप वाकिफ है और मुमरा के बाकी लोग भी वाकिफ है, यंग जनरेशन ज़्यादातर गलत राह पे जा रहा है, नशा जो है मुमरा के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, ये सब जानते हैं, मगर इनको वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो एक यंग जनरेशन को डाइवर्ट करना है ना आपको, तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ यंग जनरेशन डाइवर्ट होती है, और स्पोर्ट्स अपने मुमरा के अंदर जल्दी आपको स्पोर्ट्स के अंदर हायर लेवल पे या नेशनल लेवल पे जल्दी किसी को आप जाते हुए देखोगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है ये मुमरा में बड़े पैमाने पे हो, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है ये अपर लेवल पे जाके खेले, नेशनल लेवल पे जाके खेले और मुमरा का नाम बढ़े। क्या कहेंगे आज यहाँ पे अंसारी प्रीमियर लीग का यहाँ पे आयोजन किया गया है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, खास करके क्या कहेंगे? मैं खुसूसन साजिद अंसारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट रखे, टर्फ टूर्नामेंट, अंडर टूर्नामेंट रखे, यंग जनरेशन के जो उत्साह बढ़ाए हैं तो ऐसे हमेशा हर साल बढ़ाते रहे। और इंशाल्लाह ताला हमारे आरिफ इराकी से भी गुजारिश रहेगी कि अगले साल एक आप बड़ा आईपीएल का, मतलब जैसा कि मुमरा प्रीमियर लीग होता है उस तरह का एक बड़ा टूर्नामेंट स्टेडियम में रखे। इंशाल्लाह ताला जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सब मिल बांट के मुमरा वाले लोग करेंगे और इसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे। अभी आरिफ भाई ने बताया कि यहाँ पे ग्राउंड की कमी है, उसको लेकर क्या करें, इसके लिए लोग टर्फ की तरफ जा रहे हैं? तो जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट है उसके ऊपर तो बिल्डिंग है और तो ग्राउंड की जगह तो सब खा चुके ले, बचा ही नहीं है कुछ। अब ये टर्फ बचा है इसके ऊपर भी ऐसे नज़रें आ जाएगी कि भाई यहाँ से भी लोग अभी कमाने का जरिया बना, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि प्लेयर भी अच्छे यहाँ पे बन के निकल रहे हैं।